चैनल से जस्ट अब भी मैंने एक व्लॉग जो है एंड किया है एंड मैं सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये व्लॉग स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैंने ये जो साड़ी पहनी है, काफ़ी सारे लोग पूछने वाले हैं कि आपने कहाँ से परचेज की, कितने की परचेज की। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इसी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये कहाँ से परचेज की। तो सबसे पहले अगर मैं साड़ी की बात करूँ तो मैंने ये मीशो ऐप से परचेज की थी एंड समथिंग 600 के अराउंड मुझे ये साड़ी पड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट वेट है एंड साथ ही साथ नेट की है और सॉफ्ट नेट है। बज गए हैं 3 और मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, 3 बज गए हैं। तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े चेंज कर लूँ, अब तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है। साड़ी वगैरह मैं कभी, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज मुझे फील हो रहा है, अजीब सा, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ भी मुझे टाइट हो रहा है। इसलिए नहीं कि मैं मोटी हुई, नीचे से टमी के एरिए से तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो मैं फटाफट से चेंज कर ली, साड़ी तो चेंज कर ली है और अब मैं बस मेकअप रिमूव कर रही हूँ। मेकअप में मैंने बेस मेकअप नहीं, थोड़ा सा कंसीलर लगाया था, आईब्रो को फिल किया था और लाइनर और मस्कारा लगाया हुआ था। तो बस मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ अब, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने मेकअप ही किया है। ये देखिए, आपको काजल के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा होगा, मैंने सच में कोई मेकअप नहीं किया था। तो मैं इसको रिमूव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील हो, आंखें भी भारी भारी हो जाती है, मस्कारा लगा लो। तो आप लोग सोचे होंगे रिमूवर मैंने कौन सा लिया है, तो ये नीविया का है लेकिन बहुत अच्छा है, वन स्वाइप में निकल रहा है। लिपस्टिक मैंने स्टे कोई की ली थी। फाइनली थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो रहा है, अच्छा सा फील हो रहा है, जैसे मैंने मेरे ऊपर से कोई बर्डन निकल गया हो। और सच में थोड़ा भारी भारी फील होता है, अब थोड़ा सा भी कुछ कर लो तो। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, चलो मुझे ये जाना है, खाना खाना है। मैंने नाश्ता बस किया था, अभी तक कुछ खाया नहीं है, खाना पीना खा लूँ, थोड़ा सा अच्छा सा फील कर लूँ, कूलर में बैठ लूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ, चूड़ियाँ भी मुझे उतारनी है। गुड इवनिंग, सो सॉरी मैं आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ, कब मैंने आप लोगों से बात की थी 3 बजे, उसके बाद मैंने खाना खाया। और आप सभी को पता है कढ़ी चावल खा लो फिर क्या नींद आती है, मैं ऐसी सोई कि उठी नहीं। आज मेरा व्लॉग नहीं जाएगा, और जिस दिन ये व्लॉग देखोगे उस दिन तो चला गया होगा, लेकिन बीच में जो एक दिन का गैप है ये उसी दिन का वीडियो, क्योंकि मैंने आज मैं 2 व्लॉग स्टार्ट, मतलब ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया है, साथ ही वो एंड भी कर दिया, बट मैं एडिट नहीं कर पाई। और बाबू को बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं था कि ये कब तक उठेगी, और अभी रात शाम के 7 बज चुके हैं। मैं जस्ट अब भी नहा के आई, तो मुझे लगा कि मुझे आज आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग स्किन केयर मांग रहे हैं मेरा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्किन केयर हमेशा मेरा सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम करना पसंद नहीं करती हूँ। अभी मेरी स्किन पर अगर आप लोगों को ग्लो दिख रहा है, उसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से, दूसरा अगर कोई और ग्लो का रीज़न होगा तो वो ये कि मैं अभी फेस मास्क वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, शीट मास्क यूज़ करती हूँ, और उसका रीज़न यही है गर्मी, मेरा फेस जलता है गर्मियों में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मास्क की ज़रूरत पड़ती है। या तो मैं फेस मास्क लगा लूँ या मुल्तानी मिट्टी लगा लूँ, मैं कुछ ना कुछ लगाऊँ, लेकिन 3-4 दिन में मुझे एक बार चाहिए होता है। चलिए हम फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं अपना स्किन केयर। स्किन केयर के लिए सबसे पहले जो मेन होता है वो होता है एक टोनर। अगर आपके पास गुलाब जल है उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोनर के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का आर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है केवल आप इसे लगा के भी रह सकते हैं, आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो, क्योंकि ये आपकी स्किन पर एक अलग सा ग्लो आ जाता है जैसे ही आप इसे लगाते हो तो। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो टोनर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं लगाती हूँ एक अच्छा सा सीरम। तो आप सभी को पता है गर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी इस टाइम पे हमें ऐसा सीरम लगाना चाहिए जो ऑयली ना हो। तो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये है गुडवाइज प्लस का टी ट्री प्लस मलबेरी ऑयल कंट्रोल
प्लस स्किन ग्लो सीरम, इससे स्किन पे ग्लो आता है एंड ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी केवल आपको 3 से 4 ड्रॉप लेनी है कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से वॉर्म कर लेना है ऐसे ही, थोड़ा सा मतलब वॉर्म कर लीजिए इसको, उसके बाद आपको इस तरीके से पुश करना है अपनी स्किन पे इसको, डायरेक्ट ड्रॉपर के साथ ना लगाएं। So, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपका दिन का टाइम है ना तो आप सनस्क्रीन जरूर से लगाएं, लेकिन क्योंकि ये दिन का टाइम नहीं है रात का टाइम है तो मैं लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल। आप सभी को पता है रात में आजकल मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। तो ये है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, और ये जेल मुझे बहुत 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 पसंद आया। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि एकदम ट्रांसपेरेंट है, नेचुरल है, और मुझे नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम अभी लगा ही क्यों रहे हैं एलोवेरा जेल, क्योंकि मुझे नेचुरल ही चाहिए। यहाँ पे जो एलोवेरा जेल हमारे छत पे लगा था ना, मैं वही यूज करती थी, बट एक्चुअली में था क्या कि वो पीला पीला सा हो गया, तो फिर मैंने उसको अभी लगाना बंद कर दिया है। और फिर तो इसके साथ मैं थोड़ी सी मसाज करती हूँ लाइक 1 मिनट की, और जैसे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब तक ये एब्जॉर्ब होता है तब तक मैं अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी, और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे पर्पल की लिप बाम ले रही हूँ। ये लिप बाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पूरी ख़त्म होने पे भी आ गई है। बचपन में ये लिप बाम बहुत ज़्यादा यूज़ की है मैंने, मेरे स्कूल बैग में रहती थी ये, बहुत सुंदर लगती थी। इसी टाइप की लिप बाम, मतलब इस टाइम की शायद ब्लू हेवन में आती है वो वाली। तो यहाँ पे बस मेरा स्किन केयर होता है कंप्लीट। जो भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं खुद के लिए। अफोर्डेबल प्राइस के सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो आप आराम से इन्हें बाय कर सकते हैं। और ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन की स्किन केयर मैंने बताया है, इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हैं, जैसे कि अकेले आप अगर टोनर यूज़ कर लेते हैं तो आपकी अगर एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो आराम से आपका काम बन जाएगा। तो चलिए गाइस मैं बनाती हूँ अब चाय, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है, नहा के आई हूँ ना तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, मन कर रहा है थोड़ी सी चाय मिल जाए, और बाबू को भी देना है क्योंकि वो भी मेरे साथ सो गए थे, तो वो भी कह रहे थे कि मेघा चाय दे दो। मैंने कहा देखो मैं नहा के आई हूँ, मेरी स्किन काफ़ी खिंची खिंची लग रही है, मैं फटाफट से स्किन केयर करती हूँ उसके बाद देती हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और रात का जो टाइम हो रहा है अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो बज रहे हैं 9, और अभी तक हमारे यहाँ पे कोई खाना पीना नहीं बना है। चाय ऑफ कोर्स पी ली है, उसके साथ नाश्ता भी ले लिया था। तो क्या होता है जब आप नाश्ता थोड़ा सा कर लेते हो ना तो फिर मन नहीं होता खाना खाने का, एंड इस कसमें रहते हो आपकी क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है। एंड आप सभी को पता होगा कि हम लोग काफ़ी लेट खाना खाते हैं, कम से कम 10 से 11 बज ही जाते हैं नॉर्मली, और उस 10-11 बजे का रीज़न सिर्फ यही होता है क्योंकि हम लोगों को गरम गरम खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, ठंडा खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि ठंडा हो गया खाना टेस्ट मर गया, ऐसा फील होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ बाबू से पूछूँ कि क्या खाना है, आज उनकी फरमाइश सुन लूँ कि क्या खाना है, फिर मैं देखूँ क्या क्या करना है। बाबू है? क्या खाना है खाने में जो तुम खिला रहे? तुम बताओ क्या खाना है? आज समोसे बनाए? आप बनाओगे? पक्का? हाँ। अरे मेरी व्यूवर तो चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि समोसा आप बहुत अच्छे बनाते हो, तो रेसिपी भी शूट करूंगी मैं। हाँ ना, चलो। चले पक्का ना? चलो चलो ना। जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन है वो मैं कर देती हूँ, जैसे कि आलू उबाले दे रही हूँ और आटा लगाए दे रही हूँ। देखो आलू बॉईल कर दो। हाँ। और समोसे का आटा लगा दो। ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे? हाँ। चलो ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम बनाते हैं समोसे। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे डो लगा रही हूँ जो कि समोसे का है, तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप जो है मैदा लिया हुआ है, अंदाज से लिया हुआ है, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिया था। थोड़ा सा नमक डाला हुआ है,
थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छी लगती है अजवाइन इसलिए मैं डालती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है अजवाइन का। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है ढेर सारा ऑयल, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे हमें मोइन देना है, तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे ये मिल गया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस आटे को जो है लगा लूँगी। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको आटा कैसा लगाना, मतलब इस डो को आप कैसा लगाओगे, तो इसको आपको लगाना है पूड़ी जैसा, मतलब जैसे हम पूड़ियों के लिए लगाते हैं ना डो, वैसा रोटियों के जैसा ना लगाएं, गीला ना करें, बिकॉज़ अभी आप इसे रेस्ट देंगे, इसमें नमक डाला हुआ है और रखा रखा ये थोड़ा सा गीला टाइप का हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा किया था, मैंने आटा बिल्कुल रोटियों के जैसा लगाया था, तो रेस्ट होने के बाद वो थोड़ा सा गीला हो गया था, इसलिए सेकंड टाइम हम ये रिस्क नहीं ले सकते ना, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूँ। अब इसमें मैं ऑयल लगा के ढक के रख दूँगी, ताकि प्रिपरेशन किया आपने, ये बॉयल आलू छील लिया आपने, ठीक है, कटे हुए, ये अदरक किसा होगा, ये लहसुन किसी हुई, ये हरी मिर्च कटी हुई, ये लौंग, ये जीरा, ये रेड खड़ी मिर्च और ये खड़ी धना, ठीक है ना, बाकी क्या आगे अभी इसको रोस्ट करोगे आप? हाँ ठीक है, चलो रोस्ट कर लो फटाफट। सो सूखे मसाले बाबू ने रोस्ट कर लिए हैं, और सूखे मसाले में क्या क्या था आपने देखा, जीरा था, खड़ा धना था, खड़ी मिर्ची थी और 4 से 5 लौंग थी। तो उनको अच्छे से रोस्ट कर लिया, अब इसको हम पीस लेंगे। तो इसको पीसना है, इसको आप दरदरा पीसें, ज़्यादा बारीक ना पीसें, तो बाबू को इतना अंदाज नहीं है, तो मैंने कहा लाओ मैं पीस देती हूँ। और मैंने आलू भी फोड़ के रख दिए हैं, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, और ये देखिए दरदरा पीस लिया है मैंने इसे, क्योंकि जब ये मुँह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको नहीं पसंद तो बारीक भी कर सकते हैं। ये उसके बाद देखा आपने, मिर्ची बाबू ने डाली, जल गए बेचारे, जल रहे थे, लेकिन कह रहे थे नहीं नहीं मैं ही बनाऊँगा, क्योंकि उनको वो कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन उनको आता सब कुछ है, मतलब वो सब बना लेते हैं। और क्योंकि मैंने उनको मैंने बोल दिया कि पक्का आप करोगे, तो फिर जलते भी जा रहे थे लेकिन करते भी जा रहे थे। तो ये यही होता है कि जैसे हम भी होते ना खाना बनाते टाइम जल जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम खाना बनाना रोक देते हैं, तो वो मुझे यही बोल रहे थे, कहते क्या तुम रोक देती हो जो मैं रोक दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने हरी मिर्ची डाली, उसके बाद जो जिंजर गार्लिक किसके रखा हुआ था वो डाला, उसके बाद मैंने थोड़ी सी टर्मरिक डाल दी तेल में जब जिंजर गार्लिक हो गया। और अब हमें सीधे मिला देना है इसमें आलू, तो मैं आधा आधा करके मिला रही थी, क्योंकि बाबू मेरी बात नहीं मानते, लड़ते झगड़ते हमारा ये बना था, कैसे बात नहीं, मैंने उनसे कहा कढ़ाई ले लो, कहते नहीं नहीं इसमें बन जाएगा बन जाए, मैं कह रही नहीं नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन भैया क्या बोलते इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कभी कभी कि पूछो मत। तो ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हमने डाल दिया है इसमें, और ये दरदरा इसलिए मैंने ऐसा बनाया क्योंकि हमारे यहाँ पे जो समोसे आते हैं ना उनके मसाले में इसी तरीके से आता था, तो मैंने इसीलिए वो वाला मसाला डाला, क्योंकि वो मसाला रोस्टेड था। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला बाबू ने आधी चम्मच, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है ये अमचूर पाउडर। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसे मिला लेना है, और जब आप ऑयल डाल रहे हो ना बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑयल सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो हरी मिर्ची जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप मतलब डाल रहे हो उसमें वो पक जाए, उससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, नमक मैंने मिला दिया है, नमक लास्ट में, ताकि गीला ना हो मसाला, मसाला लिक्विड टाइप का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे धनिया पत्ती काट रही हूँ और ये हम ऐसे मिला लेंगे। सो बस धनिया पत्ती भी मिल गई है, इसको आपको पूरा ठंडा हो जाने देना है। तो पंखा में हम लोग बैठ गए हैं ताकि ठंडा हो जाए, और किचन में काफ़ी टाइम ऐसे बनाते बनाते टाइम लग जाता, तो बाबू बोले चलो अपन पंखा में बैठ जाते हैं। यहाँ पर भी बाबू हमसे झगड़ रहे थे, कैसे झगड़ रहे थे मैं बता रही हूँ। वो जब समोसा मैं बेल रही थी ना समोसा के लिए, वो क्या बोलते रोटी टाइप की, तो कहते नहीं तुम्हें गोल नहीं बेलनी चाहिए, तुम्हें लंबी बेलनी चाहिए। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं अब देखना कैसे करेंगे, वो ऐसे करते हैं कि तुम ऐसे बेलो ऐसे बेलो। इतनी गुस्सा आ रही थी मुझे कि क्या बताऊँ, और पता है बात नहीं मानते। सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो मतलब कुछ भी कुकिंग करने के लिए बैठते हैं हमारे साथ, तो वो मेरी सुनते नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैंने कहा आप उठ जाओ मैं कर लूँगी, आप उठ जाओ। कहते नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम समझती नहीं,
हूँ, अब देखना आप क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा फनीएस्ट ये क्लिप है, देखना। सॉरी, मैं जब इसे एडिट कर रही थी ना तब भी मैं यही सोच रही थी कि आप लोग बहुत हंसने वाले ये देख के, तो फिर मैंने एक लंबी लंबी बनाई। मैंने कहा ठीक है भैया हम लंबी बनाए दे रहे हैं, अब देखते हैं आप क्या बोलते हो। तो फिर जब मैंने लंबी लंबी बनाई तो कहते हैं यार ये तो बहुत छोटी हो गई। मैंने कहा हाँ, तो आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। पता नहीं क्यों इंसान सोचने लगता बहुत एक्सपर्ट हो रही है। देखो मैंने लंबी लंबी काट दी तो आप खुद बोलेंगे कि यार ये समोसा तो बहुत छोटा बन रहा है। और बाबू को हर चीज़ एक्सपर्ट टाइप की चाहिए होती। मुझे आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि खाना अगर देखने में अच्छा नहीं है तो खाते नहीं है, तो ये चीज़ बाबू के साथ है। बाबू के साथ नहीं, इवन मेरी पूरी फैमिली के साथ है। तो ये जब समोसा उन्होंने बनाया, कहती यार मेघा सॉरी यार ये तो बहुत छोटा हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, तो कहती अब जैसे तुम बना रही हो वैसे ही बनाओ। तो बस कुछ नहीं, जैसे रोटी जैसा होता है ना, इसको ऐसे बेल लो गोल गोल, और जब आप इसे गोल गोल बेलो तो ध्यान रखना ज़्यादा गोल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चपटा टाइप का होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि चारों तरफ से एक सी कॉर्नर हो। तो बस आप देखिए ध्यान से बाबू कैसे इसे भर रहे हैं। ऐसे कॉर्नर पर उन्होंने पानी लगाया, एक से दूसरे किनारे को चिपकाया, उसके बाद अब इसके अंदर वो डालेंगे मसाला, और यहाँ नीचे से भी। और ध्यान रखना है चिपकाते टाइम अच्छे से चिपक जाना चाहिए, नहीं तो आपका मसाला पूरा निकल जाएगा। और बस इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के आप मसाला भर लो, ढेर सारा मसाला बन जाता है। और फिर पानी लगा दो किनारे में और इस तरीके से पकड़ के चिपका दो। तो ये हमारा जो समोसा है वो इस तरीके से बाबू ने सारे समोसे बना दिए थे। और मुझे ये सब नहीं आता, मैं सिर्फ बेल रही थी। सच बताऊँ मैं ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ, मुझे सादा सिंपल खाना बनाना आता है जो कि मैं बनाती भी होती। देखिए कितने अच्छे बिल्कुल दुकान जैसे बन रहे थे। अब यहाँ पे आती है फ्राई होने की बात। मैं मिशिका को पकड़ रही थी क्योंकि तेल है और बाबू बहुत, मतलब आपको पता है बना लेते हैं बट बहुत कम करते हैं, डर लगता है कि वो चट ना जाए। लेकिन मिशिका पागल हो रही थी, मतलब बाबू हैं तो वहीं चाहिए। पापा ने बताया ना अभी आप लोगों को, कई बार मैं शेयर करी हूँ कि आजकल मिशिका पापा ज़्यादा करती है। सानू दीदी के पास भी नहीं जा रही थी, टीवी देख रही थी सानू दीदी, तो मैं कह रही थी चली जाओ लेकिन नहीं जा रही थी मैडम। तो कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पे बाबू फ्राई कर रहे हैं, जब तक मैं बाबू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चटनी के लिए दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च ली है क्योंकि मिर्च मैंने मसाले में काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है। उसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाल दी है, और धनिया पत्ती के बाद मैं यहाँ पे लहसुन डाल रही हूँ, और लहसुन की सिर्फ 3-4 कलियाँ ही डालूँगी, पतली पतली वाली। और उसके बाद आपको इसमें नमक ऐड करना है और इसे पीस लेना है। और ये चटनी थोड़ी दरदरी पीसें क्योंकि दरदरी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। आप बहुत ज़्यादा बारीक ना करें क्योंकि मिक्सी में बारीक हो जाती है, तो थोड़ा बीच बीच में गैप दे दे के चलाएँ ताकि मशीन को आपको पता चले कि दरदर आ गई कि नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और मैं ऐसे ही चटनी बनाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपने सिलवट्टा होता ना जिस पे पीसते हैं गाँव में, बिल्कुल वैसे ही वैसे टेस्ट भी आता है, वैसी लगती भी है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें चाहिए, चटनी भी चाहिए रायता भी चाहिए। तो बाबू बोले मेघा रायता बना तो रही हूँ लेकिन पतला बनाओ थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारा पानी मिला दिया, उसमें कम से कम 1 गिलास। उसके बाद मैंने कलछी रखी हुई है यानी कि चम्मच। अब इसमें मैं डालूँगी घी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे छोटी चम्मच से घी डाला हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा और मेथी का तड़का लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जीरा और मेथी डाल दिया है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, मतलब काला काला सा हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दूँगी। कड़ी पत्ता अगर आप पॉलीथिन में रखते हो ना तो काफ़ी दिन तक ताजे रहते हैं, तो आप ये ट्रिक ज़रूर अजमाना। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, और अब मैं इसमें सूखी मिर्च डालूँगी कलर के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है मेरा वॉन्ट ऑफ, मतलब और कुछ मेरा उसमें वो नहीं था, टेस्ट के लिए नहीं डाल रही थी मैं, सिर्फ कलर के लिए डाल रही थी। और ये सब, ये जो मिर्ची है तीखी नहीं है, सिर्फ कलर ही देती है। सो यहाँ पे ये देखिए हमारा रायता भी बन गया। तो ये फटाफट मस्त वाला रायता बन के तैयार हो गया है। समोसे भी हमारे बाबू ने निकाल दिए हैं, 5 समोसे बस बचे थे, तो ये लास्ट का बाद में। तो ये देखिए रायता रेडी, और चटनी देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए देखिए दरदरी सी ये है, थाली लग चुकी है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए अब हम लोग खा के आप लोगों से मिलते हैं। ओके गाइस, समोसे बन भी गए और खा भी लिए, बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे, बहुत 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 टेस्टी बने थे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये कि वो देखने में जो फूले फूले लग रहे थे ना, तो उससे थोड़ा सा बाबू का मन गिर गया था कि इतना फूल फूल से क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, पर पता नहीं क्यों फूल रहे थे। तो फिर बाबू ने बोला मेरा ये फूल क्यों रहे हैं, लेकिन टेस्ट
ऐसा टेस्ट था ना, जो फर्स्ट टाइम बनाए थे हमें उसी पे, मुझे तो उसी पे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि बाबू ने कितने अच्छे बनाए। एंड ये सेकंड टाइम के तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि सेकंड टाइम बना रहे, ऐसा लग रहा था बहुत एक्सपीरियंस के साथ बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी रहे, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एंड आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि रात के बज रहे हैं 10:30 और अब मैं जाऊँगी, नहाऊंगी तो नहीं क्योंकि मैंने नहा लिया है, बाबू गुस्सा करेंगे, लेकिन अब मैं कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इन कपड़ों में किचन में काम कर लिया तो उलझन हो रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। एंड आज मेरी हालत देखो कैसी हो गई है।